हाय वेलकम टू बाई चैनल इस वीडियो में हम समझेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स बाय मेथड टू एलसीएम मेथड तो ये आर एस एक्वाल की बुक में मेथड टू के नाम से ये मेथड दिया हुआ है ठीक है और मैंने इसका नाम दिया है एलसीएम मेथड क्योंकि यहाँ पर एल्सीयम निकाल करके ही आपको फाइंड करना है तो इस वीडियो में आप इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसका यूज़ करना और ये मेथड इतना अच्छा है कि यदि आप इसको जान जाते हैं तो चाहें जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं दो नंबर्स के बीच में किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं चलिए समझाते हैं आपको कि इसका जो तरीका है वो कैसे है तो इसमें दो तरह के रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे पहला जब दो रेशनल नंबर ऐसा दिया हो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको दे दूँ कि आपको निकालना है मान लीजिए कि फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन लेटर सपोज थ्री अपन सेवन एंड फाइव अपन सेवन तो आपको यदि थ्री अपन सेवन और फाइव अपन सेवन के बीच में मान लीजिए कि टेन रेसम नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमीटर क्या है इक्वल है तो ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि जब डिनोमीटर इक्वल ना हो जैसे कि दे सकता है कि थ्री अपन टू और दे सकता है कि सेवन अपन टू तो ऐसा कर देगा कि सॉरी सेवन अपन कुछ और ले लेते हैं सेवन अपन यहाँ ले लेते हैं थ्री ठीक है तो यहाँ पर देखिए डिनोमीटर क्या है इक्वल नहीं है तो थ्री अपॉन टू और सेवन अपान थ्री के बीच में कहेगा कि फाइंड हंड्रेड रेशनल नंबर्स तो कैसे फाइंड करेंगे तो इसको भी फाइंड कर सकते हैं आप इस एल से मेथड से और बहुत आसान है आप जब जानेंगे ना तो कहेंगे कि बड़ी आसानी से निकल गया तो बिल्कुल ही आप इसको समझ लीजिए तो दूसरा हो गया ये फर्स्ट हमारा समझेंगे ये और दूसरा समझेंगे ये तीसरा जो होगा वो होगा कि निगेटिव एक रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा तब कैसे निकालेंगे और वो बहुत आसान होता है इस मान लीजिए आपको निकालना है माइनस फोर अपान सेवन एंड सॉरी एंड uh, आपको निकालना है uh, uh, यदि एंड के बीच में निकालना है आपको मान लीजिए uh, सिक्स नंबर्स तो कैसे फाइंड करेंगे और ये बहुत आसान है और यहाँ पर भी ऐसे जो सेवन डिनोमीटर है यहाँ पर कॉमन है और जब नहीं रहेगा कॉमन मतलब कि जब अलग अलग रहेगा तब भी कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम समझ लेंगे ठीक है तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यहां से फर्स्ट ओके okay, तो पहला टाइप है हमारा टाइप वन यह है फाइंड टेन रेशनल नंबर थ्री बाई सेवन एंड फोर बाई सेवन मीन्स जब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो इक्वल हो तो यहां पर हमने ले लिया है दो रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या है इक्वल हो तो इनके बीच में जो है हमें फाइंड करना है टेन टेन रेशनल नंबर्स तो कैसे फाइंड करेंगे समझते हैं यहां पर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहां पर पहले से ही डिनोमीटर क्या है इक्वल है जब डिनोमीटर पहले से ही इक्वल हो तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं टेन या ट्वेंटी जितना भी निकालना हो हम यहाँ पर निकालेंगे टेन रेस नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स तो ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे तो पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं जैसे कि हम लिख लिए यहाँ पर थ्री बाई सेवन और थोड़ा तो सा दूरी पर लिख लेते हैं यहाँ पर फोर बाई सेवन तो हम देख रहे हैं कि डिनोमीटर क्या है यहाँ पर इक्वल है तो अब देखना होता है यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना इस मेथड का जो रूल है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि डिनोमेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर के बीच में यदि डिफरेंस होगा तो जो भी मतलब न्यूमरेटर्स के बीच में कोई इंटीजर लाइक like करता है तो उस इंटीजर में यदि हम डिनोमिनेटर सेवन ले लेते हैं कॉमन तो वो जो मिलेगा रेशनल नंबर वह इन दोनों के बीच में आ जाता है लेकिन थ्री और फोर के बीच में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो थ्री और फोर के बीच में लाइक like करता है कि नहीं नहीं होता ना तो थ्री के बाद डायरेक्टली फोर आ जाता है इसलिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करेंगे आप कहेंगे कि इसके न्यूमरेटर को इंक्रीज कैसे कर पाएंगे हम बिल्कुल कर पाएंगे यदि हम थ्री बाई सेवन को इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर दें मतलब कि यदि हम थ्री बाई सेवन का इक्विवेलेंट फॉर्म दूसरा बना लें जैसे कि किसी एक नंबर से किसी एक फिक्स नंबर से थ्री बाई सेवन में मल्टीप्लाई कर लें यहाँ भी और जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में डिफरेंस बढ़ जाएगा अभी आप देखेंगे कैसे संभाली मैं मैं अप्लाई करता हूँ टू से तो मैंने कर दिया यहाँ पर थ्री में टू से और सेवन में भी करना पड़ेगा टू से और यहाँ भी कर लेते हैं फोर में कर दिया मैंने टू से और यहाँ भी कर दिया सेवन में टू से तो देखिए क्या होगा थ्री टू हो जाएगा सिक्स सिक्स अपान सेवन टू और यहाँ हो जाएगा फोर टू जै एट अपान सेवन टू तो आप देख रहे होंगे कि सिक्स यहाँ पे हो गया और यहाँ पे एट हो गया और देख रहे हैं कि एकदम है न्यूमरेटर में में जो है काफी डिफरेंस आ गया है मतलब एक नंबर का तो सिक्स के बाद एक सेवन इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिक्स सेवन एट है नहीं? तो सेवन तो के नीचे यदि हम फोर्टीन कामन ले लेंगे फोर्टीन जो ये डिनोमेटर है तो ये जो नंबर होगी वो बिल्कुल सिक्स बाई फोर्टीन और एट बाई फोर्टीन के बीच में लाई करेगा और ये सेवन बाई फोर्टीन हमें मतलब कि एक रेशनल नंबर मिल जाएगा इन दोनों के बीच में मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिक्स बाई फोरटीन इज लेस देन सेवन एट फोर्टीन एंड सेवन फोर्टीन इज लेस देन एट अपन फोर्टीन मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रेशनल नंबर मिल जाएंगे हमें तो हम तो आसानी से अब कर सकते हैं कि सेवन अवन फोर्टीन जो है ये दोनों के एक एक जो है इनके बीच में रेशनल नंबर मिल गया लेकिन हमें एक तो फाइंड नहीं करना है टेन करना है ना तो हम ये बताइए दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक मिल जा रहा है अब यहां से तीन से करेंगे तो दो मिल जाएगा यदि हम फोर से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां पर तीन रेस्ट मिल जाएंगे हम चेक कर लेते हैं अभी आपको आपको दिखाते हैं तो मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि फोर से करने पर क्या होता है तो पहले हम इरेज कर लेते हैं इसको तो यह हटा देते हैं और फोर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ओके तो हम ले लेते हैं यहां पे फोर अब नंबर फोर्स कर लेते हैं फोर्स कर जिससे नंबर जिससे अप्लाई करना होगा ना सभी में करना पड़ेगा ठीक है मतलब कि पहले वाले रेसनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे और दूसरे वाले रेशनल नंबर के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर लेंगे अब यहाँ पे क्या होगा थ्री फोर जयर ट्वेल्व हो जाएगा अपान सेवन फोर जयर ट्वेंटी एट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फोर फोर जर सिक्सटीन अपान सेवन फोर जो ट्वेंटी एट अब यहाँ भी देख रहे हैं आप कि जो डिनोमिनेटर है वो एकदम सेम है मतलब कि कोई मतलब चेंज नहीं हुआ इसमें लेकिन न्यूमरेटर में डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ गया है

है थ्री बाई सेवन के मतलब यहाँ पर यदि यह कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे तो थ्री बाई सेवन ही आएगा और यहाँ भी यदि यह कैंसिल आउट करेंगे कॉमन फैक्टर तो फोर बाई सेवन ही आएगा जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि कटाते हैं आप फोर से तो फोर्थ जर ट्वेल्थ मिल जाएगा और फोर सेवन जर ट्वेंटी एट और यहाँ मिल जाएगा फोर फोर जो सिक्सटीन एंड फोर सेवन जर ट्वेंटी एट तो ये ऑलरेडी फोर बाई सेवन ही है ये नंबर और ये नंबर भी थ्री अपॉइंट सेवन ही है और इनके बीच में आपने ये तीन रेस्टोर नंबर फाइंड कर लिया तो यही तरीका है लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्टकट एक समझना पड़ेगा वो ये चीज़ यदि टेन में पूछ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेवन से यदि इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको इसके बीच में ऑटोमेटिकली टेन का डिफरेंस आ जाएगा किसके बीच में आएगा न्यूमिनेटर के बीच में जो है डिफरेंस आ जाएगा इंटीजर्स 10, 10 का और उसके बाद से आप ऐसे लिख करके और टेन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं यहां पर मल्टीप्लाई करके इलेवन से तो अब फाइनली हम आंसर यहां पर निकालेंगे मतलब ये मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट मतलब कैसे आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का जब डिनोमिनेटर जो है इक्वल हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आप लिख सकते हैं कि आ, मतलब कि अपने क्वेश्चन में ऐसे कि मतलब मल्टीप्लाइंग बाई इलेवन इन एंड न्यूमिटर बोथ ओके तो हम मटप्लाई कर लेंगे और जो इलेवन आया कैसे आया टेन निकालना हमें है ना टेन रेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में इसलिए हमें क्या करना है कि टेन प्लस वन मतलब एक इलेवन से मल्टीप्लाई करना है दोनों में तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर थ्री इंटू इलेवन अपन सेवन इंटू इलेवन और यहाँ पर हो जाएगा फोर इंटू इलेवन अपन सेवन इंटू इलेवन अब ये नंबर क्या बन जाएंगे तो थर्टी इंटू इलेवन करेंगे तो ये मिलेगा थर्टी थ्री अपान यह मिल जाएगा सेवनटी सेवन और ये मिल जाएगा फोर्टी फोर थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि हम इसके बीच में लिख पाए तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर फोर्टी फोर अपान सेवनटी सेवन ठीक है अब थर्टी थ्री और फोर्टी फोर के बीच में एकदम ऑलमोस्ट टेन नंबर्स आ जाएंगे मतलब कि इंटीजर्स वाले जो थर्टी थ्री और फोर्टी फोर के बीच में देखते हैं हम कैसे क्या क्या आएगा तो पहले पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ये आ जाएगा थर्टी फोर फिर आ जाएगा थर्टी मतलब सॉरी ये आ जाएगा थर्टी फाइव फिर आ जाएगा थर्टी सिक्स फिर आएगा थर्टी सेवन फिर आएगा थर्टी एट थर्टी नाइन फिर हो गया फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री आ गया फोर्टी फोर आ गया लास्ट में अब तो यहाँ पर मतलब हमारे नंबर्स मिल चुके हैं और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से इसके सभी के सभी जो नंबर मिल गए हैं यहां पर बस इसके नीचे सेवेंटी सेवन लिख दीजिए तो अपान 77 सेवन तो ये जो अपान सेवन सेवन लिखने पर क्या मिलेगा थर्टी थ्री वन सेवन सेवन जो है वो इक्विवेलेंट है थ्री बाई सेवन के और ये ग्रेटर होगा मतलब इस नंबर ये जो नंबर होगा थर्टी थ्री अपन सेवन ये लेस होगा थर्टी फोर अपन सेवन के और थर्टी फोर वन सेवन जो है लेस होगा थर्टी फाइव अपान सेवन के और थर्टी फाइव सेवन जो है लेस होगा थर्टी सिक्स अपॉन सेवन के और ये जो है नंबर थर्टी सिक्स अपॉइन सेवन ये लेस होगा लेस देन होगा थर्टी सेवन अपॉन सेवन के लाइक वाइज यू कैन जस्ट राइट तो यहाँ मिल जाएगा इतना और ये हो जाएगा 77, सेवन फिर ये हो जाएगा लेस देन फोर्टी फोर्टी फोर अपान सेवनटी सेवन और ये भी होगा upon 41 upon 77, इस इस लेस देन फोर्टी वन अपान फोर्टी वन अपान सेवनटी सेवन और दिस इज लेस देन फोर्टी टू अपान सेवनटी सेवन और लेस देन फोर्टी थ्री सेवन और लेस इतना मतलब कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा पर और आप देख सकते हैं कि मतलब रेशनल नंबर्स हमने कर लिया है और और ये दोनों और कुछ भी नहीं है ये बराबर है थ्री बाई सेवन के और ये बराबर होगा फोर बाई सेवन के क्योंकि आप कैंसिल कर कर सकते हैं इलेवन से और एक और बात जब आप इसे फाइंड कर लेंगे तो इनके बीच में जो नंबर्स मिल चुके हैं ये सारे इनको भी आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कुछ है क्या यदि कॉमन फैक्टर कुछ होगा तो इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे आप तो इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं by 7, आ, यहां पर हो जाएगा ये 37, 7, और इसको लिख सकते हैं कि इज लेस देन यहां देखिए थर्टी थर्टी फोर अपन सेवन सेवन का कुछ कॉमन फैक्टर है क्या तो ये इसमें कुछ नहीं कट पाएगा तो ये तो वैसे लग देंगे आपर, 77, than, यहां पर थर्टी फोर अपन सेवन लेस यहां पर मिलेगा आपको सेवन देखिए सेवन वन जैस सेवन यहाँ पर सेवन जो सेवन 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 हो जाएगा सेवन फाइव या थर्टी फाइव मीन्स फाइव पॉइंट इलेवन मिल जाएगा यहाँ पर तो आप इनका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है तो थर्टी सिक्स अपान सेवेंटी सेवन में कुछ कामन नहीं मिलेगा तो इसको वैसे लिख दीजिए थर्टी सिक्स ये हो गया सेवनटी सेवन इज लेस देन थर्टी सेवन इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो थर्टी सेवन सेवनटी सेवन फिर लेस देन यहाँ पर थर्टी एट अपान इसमें कॉमन नहीं मिलेगा कुछ तो थर्टी एट अपॉन सेवनटी सेवन इज लेस देन थर्टी नाइन अपॉन थर्टी नाइन अपन सेवन फिर लेस देन फोर्टी इसमें भी नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा फोर्टी फोर्टी uh, अपन सेवनटी सेवन इज लेस दे पर फोर्टी वन अपन सेवनटी सेवन इज लेस देन फोर्टी टू हाँ यहाँ पे कटेगा कुछ सेवन सेवन जैसे फोर्टी टू होता है तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको सॉरी uh, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फोर्टी टू मतलब सिक्स अपन सिक्स uh, अपन हो जाएगा सेवनटी सेवन सॉरी इलेवन फोर्टी सिक्स अपन सिक्स अपन इलेवन और फिर लेस देन मिलेगा फोर्टी फोर्टी थ्री अपन फोर्टी थ्री अपन सेवेंटी सेवन उसके बाद से लेस देन ये फोर अपन सेवन आ जाएगा ठीक तो है तो फाइनली हमें मिल गया इस तरीके से मतलब कि आपको ये जो मिल गया हमें टेन रेस्टल नंबर्स वो यही हैं तो रिक्वायर्ड टेन नंबर्स यही हैं ठीक है ठेके? तो बिल्कुल सिंपल आपको मेथड लग रहा होगा तो चलिए अब करते हैं टाइप टू अब यहां पर ओके नाउ अब टाइप टू में आते हैं तो टाइप टू में क्या करना होता है यहां पर क्वेश्चन हमने ले लिया है फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री वाई फाइव एंड टू अपन थ्री और इस केस में टाइप टू वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे यहां देख सकते हैं आप कि यहां पर फाइव फाइव है और यहां पे क्या है थ्री है तो डिनोमिनेटर क्या है दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंट है ओके तो इस केस में क्या करना होगा पहले आपको डिनोमीटर्स को इक्वल करना होगा और ये इक्वल करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम इसीलिए इस मेथड का नाम मैंने रखा है एलसीएम मेथड ठीक है तो फाइव और थ्री का एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कि फाइव और थ्री का एलसीएम कितना होता है फिफ्टीन होता है तो इसका मतलब कि इसको इक्वेट करने के लिए आपको पहले पहले लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको पहले लिख लीजिए यहाँ पर तो हमारे पास हैं ये थ्री अपन फाइव थ्री अपन फाइव एंड लिख लीजिए यहाँ पर करके और टू अपन थ्री तो पहले आपके इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ले लीजिए एलसीएम तो फाइव और थ्री का एलसीएम होता है ठीक है तो से फाइव फाइव टू जै टेन मतलब कि अब हम इन दोनों नंबर्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में और एलसीएम लेकर के जो डिनोमीटर सेम करने के बाद जो मिलेगा दो नंबर्स वो मिल जाएंगे हमें नाइन अपान फिफ्टीन और ये टेन अपन फिफ्टीन दूसरा मिल जाएगा कितना टेन अपन फिफ्टीन मिल जाएगा मतलब ये दो नंबर्स मिलेंगे ये नाइन नंबर फिफ्टीन कर दीजिए ये पहला मिल गया दूसरा हो जाएगा टेन अपन फिफ्टीन इन दोनों को तो थोड़ा सा आप सेपरेट कर लिखेंगे थोड़ा सा दूर लिखेंगे ताकि बीच में नंबर्स को एडजस्ट कर पाए ठीक है तो फिलहाल में अभी यही रखते हैं तो अभी समझिए ध्यान से अब यहाँ पर डिनोमेटर्स क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं तो न्यूमरेटर में अब डिफरेंस देखेंगे कितना हो गया है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जब एल्सम लेते हैं तभी इनके बीच में इतना डिफरेंस हो जाता है कि पांच नंबर्स ऐसे ही मिल जाते हैं अब वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देखिए नाइन है यहाँ पर यहाँ पर टेन है तो नाइन और टेन के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना होगा अब इसमें भी आपको फाइव निकालना है रेशनल नंबर्स तो फाइव में एक ऐड कर दीजिए यूजुअली मतलब कि फाइव जो जितने नंबर्स निकालना रहता है ना उसमें एक ऐड करके जितना आता है फाइव प्लस वन मतलब सिक्स आ गया तो सिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों में तो हमें एक्जैक्टली फाइव नंबर मिल जाते हैं जितना निकालना रहेगा उसमें एक ऐड करके ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम एक्जैक्टली exactly आपको मिल जाएंगे उतने नंबर जितना चाहिए आपको ओके okay? मतलब कम से कम उतना मिल ही जाएंगे यदि अधिक से अधिक 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 भी मिल सकते हैं ऐसा नहीं है कि फाइव ही मिलेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाइन और यहाँ मान लीजिए इलेवन होता तो आपको एक ज्यादा मिल जाता यदि आप सिक्स से मलप्लाई करते तो आपको सिक्स नंबर मिल जाते यदि आपको एट्स में अप्लाई करते तो नाइन मिल जाते इसमें तो वो भी बातें होती हैं तो मतलब कम से कम आप एन प्लस वन से मल्टीप्लाई जरूर करिएगा ठीक है जितना भी निकालना रहेगा उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए बिल्कुल ही आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेस नंबर मिल जाएंगे आसानी से चलिए हम यहां पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है तो पहली बार नाइन नाइन फिफ्टीन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से ठीक है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में और दोनों नंबर्स में करेंगे तो यहां पे करेंगे यदि तो आपको मिलेगा नाइन इन टू सिक्स अपॉन फिफ्टीन इन सिक्स यहाँ भी करना होगा तो इसको थोड़ा सा दूर दिखते हैं यहाँ पर टेन इंटू सिक्स अपान फिफ्टीन इंटू सिक्स तो ये फाइनली क्या मिल जाएंगे नंबर थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ओके uh, okay, ताकि आपको दिखे सही से ओके ग्रेट यहाँ पर हो जाएगा नाइन सिक्सा फिफ्टी फोर तो ये मिल गया आपको फिफ्टी फोर अपान फिफ्टीन सिक्सा नाइनटी हो गया यहाँ पर और ये मिल जाएगा सिक्सटी अपान फिफ्टीन 90. तो अब ध्यान से देखिए आप फिफ्टी और 60 के बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो फाइव मिल चुके हैं है कि नहीं तो 54 के बाद आता है 55 ठीक है 55 के बाद आता है 56 56 के बाद 57 फिर 58, 59 और उसके बाद 60 आ जाता है राइट और इनके नीचे जब डिनोमीटर ले लेंगे 90 मीन यहां लिखेंगे नाइनटी और यहाँ पर लिख लेंगे नाइन्टी तो क्या होगा कि ये हमें मिल जाएंगे अब फाइव रेशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में और ये दो नंबर्स और कुछ भी नहीं है ये थ्री एवन फाइव ही है ये वाला क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे यदि आप काम फैक्टर्स तो थ्री अपन फाइव ही मिलेगा और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो थ्री वन टू अपन थ्री ही मिलेगा ठीक है फाइनली तो हमें मिल गया है ऐसे और यहाँ पर एक रिलेशन होता है देखिए जब डिनोमेटर इक्वल हो तो आप पढ़े हुए हैं बिल्कुल लोअर क्लासेस में कि जब रेशनल नंबर्स के डिनोमेटर्स या फ्रैक्शंस के डिनिटर्स यदि इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर्स में न्यूमरेटर न्यूमरेटर को देख करके ही हम कंपेरिजन कर लेते हैं तो न्यूमरेटर यदि बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा होता है ठीक है जैसे कि फिफ्टी फोर यहाँ पर है और ये फिफ्टी फाइव है इसका मतलब कि ये नंबर जो है छोटा होगा इस नंबर से मतलब फिफ्टी फोर अपन नाइन्टी जो है छोटा है फिफ्टी फाइव अपन नाइन्टी से और फिफ्टी फाइव और जो है छोटा है फिफ्टी सिक्स अपन नाइन्टी से और लाइक वाइज सबको आप ऐसे बना सकते हैं तो ये एक बन गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि फिफ्टी फोर अपन नाइन्टी के बीच में यहां से लेकर के और यहां तक रेशनल नंबर्स मिल चुके हैं लेकिन आप ऐसे ही आंसर नहीं लिख दीजिएगा आपको यहाँ पर काउंट फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना चाहिए और सिंपल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर्स को लिखना चाहिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैसे अब यहां पर कटा लेंगे इसको यहां पर आप कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा आपको थ्री अपन फाइव थ्री अपन फाइव और लेस देन फिफ्टी फाइव अपॉन नाइन्टी को हम कैसे कर सकते हैं फाइव से फाइव वन जै फाइव फाइव वन जो फाइव और यहाँ पर जाएगा फाइव वन जो फाइव एंड यहाँ पर फोर्टी हो गया फाइव एट जो एट जब फोर्टी होता है तो यह मिलेगा इलेवन अपॉन एटीन तो आपको मिल गया 11 अपॉन एट्टीन ये पहला रेशनल नंबर यहाँ पे कटा लीजिए आप तो टू से कटेगा ये तो टू ये फोर्टी फाइव आ जाएगा और टू से कटेगा तो टू टू जब फोर और टू हज़ार सिक्सटीन मीनस ट्वेंटी एट अपन फोर्टी फाइव और ये जो है आप कटेगा किसी से नहीं कटेगा तो ये लिख देंगे ऐसे ट्वेंटी एट अपन फोर्टी फाइव मतलब आपको क्या करना है ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है फिफ्टी सेवन अपन नाइन्टी है तो यहाँ पर कटेगा बिल्कुल ये थ्री से थ्री थ्री जर नाइन ये थर्टी हो गया और ये थ्री वन जर थ्री एंड थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन नाइनटीन अपन थर्टी आ जाएगा यहाँ लिख देगा नाइनटीन अपन ये हो जाएगा थर्टी फिर लेस देन यहाँ फिफ्टी एट अपन है तो टू से कटेगा ये फोर्टी फाइव आ जाएगा और ये टू से कटेगा टू ओके टू टू फोर एंड टू नाइन जैटी ट्वेंटी ठीक है तो अब हम यहाँ सिंपल फॉर्म लिख रहे हैं फिफ्टी नाइन नाइनटी में तो कोई भी काउंट फैक्टर नहीं है तो इसको ऐसे लिख दीजिए ओके लेस देन ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी अपन नाइनटी को कटाएंगे तो जीरो जीरो कटेगा यहाँ पे और, और यहाँ पे थ्री से कटेगा तो थ्री टू जै सिक्स और थ्री थ्री जो नाइन मिल जाएगा टू अपन थ्री तो आप देख सकते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में मतलब थ्री वन फाइव और टू वन थ्री के बीच में ये फाइव रेशनल नंबर्स आसानी से मिल चुके हैं और यही आपके रिक्वायर्ड फाइव रेशन नंबर होंगे जो आसानी से हम हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे तो ये हो गया टाइप टू जब डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे तो ऐसे फाइंड करेंगे मतलब पहले पहले एलसीएम निकालेंगे दोनों को इक्वल कर इक्वल करेंगे इक्वल करने के बाद जो नंबर्स मिल जाएंगे अब उसमें देखेंगे कि नोमिनेटर्स में डिफरेंस कितना है यदि एक डिफरेंस है यदि फाइव डिफरेंस हो गया तब तो मिल जाएगा डायरेक्टली आंसर यदि नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक नंबर इंक्रीज करके मतलब फाइव निकालना है आपको तो फाइव प्लस वन करके सिक्स कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ फिर जो बीच में आपको ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंस मिल जाएगा फाइव या फाइव से ज्यादा नंबर्स का और फाइव या फाइव से ज्यादा नंबर का मिल जाएगा ऑटोमेटिक डिफ्रेंस तो निकाल सकते हैं उसमें से और उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि काउंट फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर लीजिएगा ठीक है तो हमने ये देख लिया यहाँ पर यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं निगेटिव रहेगा यही बता देते हैं आपको दोबारा क्यों ले जाएंगे तो यहां पर आपको बताते हैं जैसे मान लीजिए माइनस फोर अपॉन इलेवन एंड माइनस माइनस में नहीं दिया बल्कि एक पॉजिटिव दे दिया और वो दे दिया कि सिक्स अपान इलेवन ऑलरेडी डिनोमेटर तो क्यों? क्या है इक्वल है और आप देख सकते हैं कि माइनस फोर और सिक्स के बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स मिल जाएंगे मतलब कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि माइनस फोर अपन इलेवन जो है छोटा है माइनस थ्री अपान इलेवन से और माइनस थ्री के बाद आता है माइनस टू माइनस टू इलेवन से छोटा ये है और लेस देन माइनस टू के बाद आता है माइनस वन इलेवन तो ऐसे करके देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे है कि नहीं तो माइनस वन अपन इलेवन आ गया फिर आ जाएगा जीरो अपान इलेवन तो जीरो अपन इलेवन मतलब कि लेस देन जीरो ही होगा फिर जीरो के बाद आ जाएगा वन अपन इलेवन फिर वन के बाद आ जाएगा टू अपान इलेवन फिर टू के बाद इलेवन के बाद आ जाएगा थ्री अपान इलेवन तो लाइक वाइज आप जो है निकाल सकते हैं सिक्स फाइव अपान इलेवन तक यहाँ पर सिक्स अपन इलेवन है तो उसके पहले क्या आता है फाइव अपन इलेवन तो कितने निकल गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और फोर वन इलेवन हो जाएगा एट नाइन मतलब नाइन दशमलव नंबर आसानी से ऐसे दिख रहा है यदि आपको एट दशमलव नंबर निकालना हो तो बस कुछ करना ही नहीं है मल्टीप्लाई नहीं करना है हाँ यदि आपको ट्वेंटी निकालने पड़ जाए मान लीजिए माइनस फोर वाइन इलेवन और सिक्स वाइन इलेवन में ट्वेंटी रेसल नंबर फाइंड करिए तब मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है तो आपको पहले से ही जब ये डिफरेंस ज्यादा हो जाए ना जैसे माइनस फोर और सिक्स के बीच में आपके नाइन इंटीजर्स सिलाई करते हैं और उसके कारण आप नाइन रेशन नंबर निकाल सकते हैं यदि डिफरेंस ज्यादा है जैसे यहाँ पर डिफरेंस कम था जैसे नाइन और टेन के बीच में क्या है कोई भी इंटीजर नहीं है नाइन के बाद जस्ट टेन आता है लेकिन यहाँ पर माइनस फोर के बाद बहुत सारे इंटीजर्स सा आ जाते हैं तो जब ऐसा हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको जितना मान लीजिए कि निकालना है रेशनल नंबर तो नहीं है कि फाइव प्लस वन करके सिक्स मल्टीप्लाई करें दोनों में तब जाकर निकलेगा ऐसा नहीं है किसी लेस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपको ट्वेंटी रेशनल नंबर निकालने हैं तो केवल टू से मल्टीप्लाई करिए मतलब माइनस फोर में टू माइनस फोर अपन इलेवन में टू से कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ भी कर लीजिए टू से क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ पर बिलेगा माइनस एट अपान ट्वेंटी टू और यहाँ मिल जाएगा सिक्स टू जी ट्वेल्व अपान ट्वेंटी टू थी ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि माइनस एट और ट्वेल्व के बीच में ट्वेंटी से ज़्यादा मतलब मिल गए हैं इंटीजर्स कैसे आप काउंट कर सकते हैं माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व Means 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 20, मतलब नंबर आसानी से मिल जाएंगे ऐसे ही मतलब केवल से करने पर तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ती है इस मेथड को यूज करने में ठीक है तो मतलब यहाँ पर बस इंटेलेक्चुअली आपको समझना है हर चीज कि कैसे किया जा रहा है ये तो मैंने इसको पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं सोचता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा तो यदि कोई भी फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि आपको कोई डाउट नहीं भी है तब भी यदि आप कमेंट बॉक्स कुछ लिखेंगे मेरे लिए तो मेरा अच्छा रहेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसी बन रही है यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे क्लास नाइन्थ के सारे के सारे आप देख सकते हैं बिल्कुल थैंक यू सो मच अगेन बाय